हाय एवरीवन दिस इज दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में और आज के डिस्कशन में हम थॉमस हॉब्स को एस एन इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो थॉमस हॉब्स होप, को रिफ़र किया जाता है एज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर तो ये इंडिविजुअलिज्म क्या है क्यों थॉमस हॉब्स को इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर बोला जाता है इस कंसेप्ट को हम बहुत ही सिंपलिस्ट वे पे समझने की कोशिश करेंगे तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा जहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम थॉमस हॉब्स के बारे में यहाँ पर सो थॉमस हॉब्स सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश फिलोसोफ़र थे जिन्हें एज एन इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंस uh, दी थी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के राइट्स को एंड द सेल्फ़ इंटरेस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल जिसकी वजह से इन्हें इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर बोला जाता है थॉमस हॉब्स के जो थाट्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुए थे जिस टाइम एंड सरकमस्टेंसेज में थॉमस हॉब्स रह रहे थे सो थॉमस हॉब्स ने बेसिकली ब्रिटेन का वो ट्रबल पीरियड या ट्रबल्ड फेज़ ऑफ़ द ब्रिटिश हिस्ट्री को विटनेस किया था ये ट्रबल्ड फेज़ uh, क्यों था ब्रिटिश हिस्ट्री में क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के uh, ऐसे uh, क्योर्स देखने को मिल रहे थे सोसाइटी में जैसे कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट के रूप में एंड रॉयल्स uh, जो रॉयलिस्ट थे एंड एंटी रॉयलिस्ट का जो प्रोटेक्शन था मूवमेंट था उसको इन्होंने विटनेस किया था तो यहाँ पर एक ऐसी ट्रबल्ड कंडीशन में क्या था कि कोई जो इंडिविजुअल्स थे उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो इस सारी सिचुएशंस ने शेप किया था थॉमस हॉप्स के थॉट्स को जहाँ पर थॉमस हॉप्स ने इंडिविजुअल के जो राइट्स थे राइट टू लाइफ या सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ प्रज़र्वेशन के राइट्स जिसको हॉब्स ने इम्पॉर्टेंस uh, दी थी तो यहाँ पर मेजर कंसर्न हॉब्स का क्या था राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल और दिस इज द रीज़न जैसे इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में जाना गया तो हॉब्स एज एन इंडिविजुअलिस्टिक थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है कि जो इंडिविजुअल है द मैन इज़ प्रायर टू द स्टेट मतलब इंडिविजुअल पहले है स्टेट बाद में आता है ये किस कंडीशन में प्रायोरिटी के कंडीशन में राइट right? तो इंडिविजुअलिज्म का बेसिक मीनिंग है कि जो जो मैन है जो इंडिविजुअल है उसके सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम है सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम है तो हॉब्स कहते हैं कि जो मैन है वो इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर है मतलब वो इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है और वो सोशल बाद में है सोशल इंडिविजुअल तभी होता है जब वो उसकी कोई नेसेसिटी होती है नीड्स होती है सो ह्यूमन बीइंग या मैन इज अ सोशल ओनली आउट ऑफ द नेसेसिटी अदरवाइज मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब ये है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सुप्रीम में रखेगा प्रेरिटी देगा तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इंडिविजुअलिज्म क्या है अब हम ये समझ लेते हैं कि थॉमस हॉब्स कैसे इंडिविजुअलिस्टिक हैं तो हॉप्स को कंसीडर किया जाता है एज ए स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म फिलोसफी है कैपिटलिज्म की जिसका मानना ये है कि जो मैन जो भी एक्वायर करता है एक्मोलेट करता है एज अ वेल्थ एज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ वो उसके खुद के एफर्ट्स की वजह से है सो वॉट एवर मैन पॉजस इज बिकॉज ऑफ हिज ओन एफर्ट्स मतलब एक इंडिविजुअल जो भी वेल्थ जनरेट कर रहा है जो भी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस बना रहा है वो अपने और खुद के एफ़र्ट्स की वजह से बना रहा है अपनी कैपेसिटीज और एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है और अपना हार्डवर्क करके वो वेल्थ जनरेट कर रहा है तो इस तरीके से जब उसके खुद के एफर्ट्स की वजह से वो बना रहा है तो हम मैन को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे राइट right? तो इंडिविजुअल्स को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो सोसाइटी को बैक करे इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म ओके तो यहां पर हॉब्स को कंसीडर किया जाता है एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्टिक ओके फर्दर और चलते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में स्टेट का क्या काम रहेगा भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद हमने स्टेट बनाया था तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट को इंडिविजुअल की प्रायोरिटीज़ को सुप्रीम रख रहे हैं तो भाई स्टेट का क्या रोल है तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है स्टेट का यहाँ पर कि स्टेट क्यों एडजस्ट करेगा वो है प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल और इन केस अगर स्टेट फेल हो जाता है ये राइट प्रिजर्वेशन ऑफ दी लाइफ करने में या लोगों की जो मैन है उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में अगर स्टेट फेल हो जाता है तो उसे हम फेल्ड स्टेट कहेंगे राइट right. और फर्दर बात करते हैं हॉब्स कि केस स्टेट खुद अगर मान लीजिए लोगों की लाइफ लेना शुरू कर दे राइट राइट इन केस अगर स्टेट स्टार्ट टेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल तो पीपल्स के पास एक राइट right है राइट टू रेसिस्ट द स्टेट। तो इंडिविजुअल के पास राइट टू रेसिस्ट है लेकिन किस कंडीशन में जब स्टेट खुद ही लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी जबरदस्ती लेना शुरू कर दे ओके तो ये समझ में आ गया कि स्टेट का पर्पस क्या है जब या ऐसी बातें यहाँ पर हॉब्स कर रहे हैं कि भाई स्टेट का काम है प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ और इस तरीके से तो यहाँ पर हॉब्स एक इंडिविजुअलिस्टिक की तरह बिहेव कर रहे हैं हॉब्स के थॉट आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो कॉन्ट्राडिक्ट्री पॉलिटिकल फिलॉसफी देखने को मिलेगी एक तरफ इंडिविजुअलिज्म जहाँ पर थॉमस हॉब्स इंडिविजुअल के सेल्फ़ इंटरेस्ट को सुप्रीम रख रहे हैं और स्टेट को प्राइमरी टास्क दे रहे हैं कि इंडिविजुअल के जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा वहीं दूसरी तरफ थॉमस हॉप्स ऑप्सल्यूटिज़म की पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी प्रमोट करते हैं जहां पर थॉमस हॉप्स स्टेट को ऑप्सल्यूट पावर दे देते हैं ऑप्सल्यूट पावर ऑफ द स्टेट का मतलब यह है कि स्टेट इज़ द सुप्रीम स्टेट के पास सुप्रीम पावर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अब यहाँ पर दूसरा डायमेंशन है ऑब्सल्यूट पावर ऑफ द स्टेट की कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी लिबर्टी को उसी कंडीशन में इन्जॉय कर सकते हैं जहाँ पे लॉ साइलेंट है सो मैन हैज़ द लिबर्टी वेयर लॉ इज़ साइलेंट इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर लॉ बनाया गया है तो इंडिविजुअल्स को वो लॉ ओबे करना कंपलसरी है अगर इंडिविजुअल लॉ को ब्रीच करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा स्टेट के द्वारा तो इंडिविजुअल को कंपेल किया गया है यहाँ पे इंडिविजुअल ओबे करेंगे जो लॉ स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं क्योंकि स्टेट के पास ऑब्सल्यूट पावर है तो क्रिटिक्स कहते हैं कि हॉप्स कंफ्यूज हैं कि वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ बिहेव करें या ऑप्सल्यूटिज्म के बिहेव की तरह बिहेव करें इंडिविजुअलिज्म के रूप में शुरू करते हैं हॉब्स लेकिन वो ऑप्सीुटिज्म की तरफ एंड करते हैं कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं लेकिन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन को सो so, हम देखें अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है थॉमस हॉब्स ऑब्सल्यूटिज्म को इसलिए प्रमोट करते हैं ऑब्सल्यूट पावर ऑफ द स्टेट को इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल से मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सुप्रीम रखता है ऐसी कंडीशन में क्या होगा सोसाइटी में के बना रहेगा और यहाँ पर थॉमस हॉब्स ऑप्सल्यूटिज्म को फॉर द शेक ऑफ ऑप्सल्यूटिज्म नहीं सजेस्ट करते हैं बट सजेस्ट करते हैं ऑप्सल्यूट स्टेट या ऑप्सल्यूट पावर टू द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म अगर हम स्टेट को ऑप्सल्यूट पावर देंगे तभी हम इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ इंडिविजुअल जो थॉमस हॉब्स हैं वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट टू रेसिस्ट भी तो दे रहे हैं ना राइट टू रेसिस्ट मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर स्टेट फेल हो जाता है इंडिविजुअल्स के राइट टू लाइफ या सेल्फ प्रिजर्वेशन के राइट right को प्रोटेक्ट करने में ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा लोग रेसिस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट या स्टेट के खिलाफ तो यहाँ पर क्या है बेसिकली जो थॉमस हॉब्स है वो इंडिविजुअलिज्म के रूप में बिहेव कर रहे हैं समझ में आ गया बेसिकली ठीक थॉमस हॉब्स को हम एक इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर के रूप में क्यों यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि थॉमस हॉब्स ने इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उसको सबसे पहले रखा है इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट को सुप्रीम माना है ओके तो ये था थॉमस ऑप्स एज ए इंडिविजुअलिस्टिक यहाँ पे कुछ और आइडियाज हैं जो आप लिख सकते हो डिटेल में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सेम वही चीजें हैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ओके पहला जैसे कि स्टेट ऑफ द नेचर थॉमस हॉप्स की पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो स्टेट ऑफ द नेचर के साथ शुरू होती है ये एक ऐसी हाइपोथोटिकल कंडीशंस है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है ओके okay? कोई सोसाइटल स्ट्रक्चर नहीं है और ऐसी कंडीशन में थॉमस हॉप्स कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स थे वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड थे और वो अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन पोस्यूट कर रहे थे और ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल अपनी डिज़ायर्स को सेटिसफाई कर रहा था और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों को हार्म कर रहा था तो लोगों ने स्टेट ऑफ द नेचर से में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक सोसाइटी में एंटर करते हैं और जहाँ पर वो स्टेट का को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाते हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़ को क्रिएट किया जाता है सो so, इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी हॉब्स के व्यू पे क्या हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने ये राइट्स ऑफ द सेल्फ प्रिजर्वेशन को पोजिस uh, करेगा और इन दी अपसेंस ऑफ द मैंने ऑलरेडी बताया ना कि इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज को इन्होंने ऑलरेडी uh, सबसे सुप्रीम पे रखा है देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जिसके द्वारा लोगों ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कंसेंट के द्वारा कि वो कोई एक गवर्नमेंट इस्टाब्लिश करेंगे और यहाँ पर ये यह कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट ओके और इस तरीके से यहाँ पर एक गवर्नमेंट या सबरीन uh, अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका काम क्या रहेगा कि लोगों को, uh, को के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ऑप्सिल्यूटिज़म सब्र हमने ऑब्सिल्यूट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट तो थॉमस हॉब्स एक स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज गवर्नमेंट इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके और इंडिविजुअल्स को क्योरटिक या एक तरीके से वायलेंट नेचर से प्रोटेक्ट किया जा सके जहाँ पर लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को इंजॉय कर सकें ओके सो इंडिविजुअल की सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए इस्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जरूरी था ओके okay, तो यहाँ पर आप कंक्लूड करोगे कि जो थॉमस ने को हम इंडिविजुअलिज्म रिफर कर रहे हैं बेसिकली वो क्यों इंडिविजुअलिज्म कह रहे हैं क्योंकि वो एम्फेसाइज़ करते हैं ऑन द पर्सनल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल्स और लोगों को राइट्स देते हैं फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द परस्यूट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल के इन सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्सट ओके तो ये था थॉमस ऑप्स एज ए इंडिविजुअलिज्म आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर लेना इतना टफ नहीं है मैंने ऑलरेडी हर एक मीनिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बट स्टिल कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना अगर आपको Uh, कोई डाउट है कोई क्वेरी है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एंड यस सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा वीडियो पसंद आए तो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग